अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर फ़ोर का टॉपिक नंबर थ्री शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक नंबर थ्री क्या है एक्सटेंडिंग चिल्ड्रन लिटरेचर टू इंट्रोड्यूस साइंस कॉन्सेप्ट सो हम ये देखने जाएंगे कि हम साइंस की आ, कहानियों को कैसे लिटरेचर में ला सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं और इसका मकसद क्या है डेफिनेटली इसका सबसे पहला मकसद ये है कि साइंस के कॉन्टेंट को हम वैल्यूज़ के साथ जोड़ेंगे और किन वैल्यूज़ के साथ वैल्यूज़ ऑफ़ केयर और कंसर्न के साथ अब ये क्या वैल्यूज़ हैं और इनको जोड़ना क्यों ज़रूरी है इसको हम यहाँ देखने जाएंगे और डिस्कस करेंगे जब हम साइंस की किताबों को देखते हैं आ, तो उनके अंदर अमूमन हमें ये विकैबलरी नज़र नहीं आती जो कि आपके सामने मौजूद है जैसे कि सिंपथी एम्पथी रिस्पेक्ट एडमरेशन एंड फॉन्डनेस ये विकैबलरी हमें इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि ये हमारे जज्बात के साथ जुड़ी हुई है और हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है जो मोस्टली हमारे पास साइंस की किताबें मौजूद होती हैं उसमें फीलिंग्स का जिक्र नहीं होता उनके अंदर फैक्ट्स और फिगर्स का जिक्र होता है और उनके अंदर एक ऐसी इन्फॉमेसन होती है आज जो इन तमाम वर्ड से बाहर होती है इसीलिए तमाम के तमाम अल्फाज आपको किसी भी साइंस की टिपिकल किताब के अंदर नहीं मिलेंगे और आपको ये देखने के लिए और इनको समझने के लिए कोई और किताबें दरकार होंगी सो so हमारी ना टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे अल्फाज मौजूद होते हैं ना दूसरी फैक्ट्स और फिगर्स से रिलेटेड जो आपकी स्पेसिफ़िक साइंस के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड किताबें होती हैं उनके अंदर ये अल्फाज मौजूद नहीं होते लेकिन क्या ये अल्फाज साइंस में होने चाहिए आ ये अल्फाज साइंस में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए ये अल्फाज और ये फीलिंग्स बच्चों की किताबों में ज़रूर होनी चाहिए ताकि बच्चों के लिए ना सिर्फ वो किताबें इंटरेस्टिंग हो बल्कि वो किताबें उनका पढ़ने का दिल चाहे ऑफकोर्स बच्चे आ, उन्हीं किताबों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिससे वो किसी न किसी लेवल पर इमोशनली अटैच होते हैं इस्पेली कौन से बच्चे जो बच्चे छोटी उम्र के बच्चे हैं हमारे क्लास में जो ढाई साल का तीन साल का प्री स्कूल में बच्चा आ रहा है और आठ साल तक के बच्चे दे एक्चुअली रिक्वायर इमोशनल कनेक्शन उन कैरेक्टर्स के साथ जो किताबों में मौजूद हैं तो उन्हीं किताबों के साथ उनको कनेक्शन डेवलप होने के बाद उन्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं अपना इंटरेस्ट शो करते हैं इमोशनल इंटरेस्ट शो करते हैं सो so, आप uh, बच्चों को जब हम इंटरेस्टिंग किस्म की किताबें देते हैं चाहे उसके अंदर एनिमल्स का ही जिक्र हो और एनिमल्स के फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एक इंटरेस्टिंग तरीके से uh, उनको बताए जाते हैं तो बच्चे उन एनिमल्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं उन्हें मज़ीद पढ़ने की उनके अंदर एक ख्वाहिश जो है वो पैदा हो जाती है हम इस ख्वाहिश को कहते हैं इमोशनल कनेक्शन तो जब ये इमोशनल कनेक्शन बच्चे का किसी भी एनिमल के साथ डेवलप कर देती है किताब तो ना सिर्फ बच्चा उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहता है जैसे आप एग्ज़म्पल ले लें मकड़े की स्पाइडर की जो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं क्योंकि स्पाइडर एक बहुत ही कॉमन एनिमल है जो कि हमारे घरों में मौजूद होता है और बच्चे उसे देख सकते हैं तो बच्चे उसकी आसानी से अनोटोमी भी पढ़ लेते हैं बच्चे ये भी पढ़ लेते हैं कि वो वेब बिल्डिंग कैसे करते हैं बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि उनका फीडिंग बिहेवियर क्या है क्यों क्योंकि दे एक्चुअली गेट इंटरेस्टेड इन स्पाइडर तो ना सिर्फ बच्चों को नॉलेज डेवलपमेंट होती है साइंटिफिक नॉलेज डेवलपमेंट होती है डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो उन्होंने पढ़ना ही है साइंस के अंदर आगे बल्कि उसके साथ साथ कुछ मोरल प्रिंसिपल्स भी डिवेलप हो जाते हैं अब ये मोरल प्रिंसिपल्स क्या हैं इन मोरल प्रिंसिपल्स को हम यूँ कहते हैं कि कम्युनिकेटिंग वैल्यूज़ ऑफ केयरिंग एंड कंसर्न फॉर नेचर कि हम हमारे साथ जितनी भी मखलूक रह रही है इस दुनिया में हम उसके लिए केयर का और एक अफेक्शन का जो आंसर है वो हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए ना कि खौफ का और उनसे नफरत का या उन्हें मार देने का और हमारे कंसर्न होना चाहिए नेचर की तरफ कि फ़ितरत की तरफ कि हम उसकी केयर करेंगे और हम और फितरत के साथ जो है एक हारमोनी और बैलेंस के साथ रह सकते हैं अब वो हम कैसे रह सकते हैं डेफिनेटली जब हमारी कोई इमोशनल कनेक्शन उसके साथ मौजूद होगा तो जैसे जैसे ये इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है हमें रिसर्च के अंदर हमारे सामने आता जा रहा है वैसे वैसे आ, इस चीज़ को इंडोस किया जा रहा है कि ऐसी कहानियाँ बच्चों के लिए लिखी जाएँ जिसके अंदर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक इस तरीके से बच्चों के सामने प्रजेंट किया जाए कि वो मोरल वैल्यूज़ यानी वैल्यूज़ ऑफ़ केयर एंड कंसर्न फॉर द नेचर बच्चों में डेवलप हो और बच्चों का जो इमोशनल कनेक्शन है वो भी इन तमाम इंफॉर्मेशन के साथ डेवलप होना ज़रूरी है एक तरीके कार हमारे पास है कि हम बिब्लोथेरेपी एक टेक्निक है आज जिसके थ्रू हम ये ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर सकते हैं मिसाल के तौर पर कैसे अचीव कर सकते हैं बिब्लो का जो मेन कंसर्न है वो बच्चों की इमोशनल नीड्स को समझना है और फिर किताब के साथ हम उसको समझते हुए उनकी इमोशनल इन्वॉलमेंट कर देते हैं उन करेक्टर या उस इंफॉर्मेशन के साथ जो किताब के अंदर मौजूद हैं अब इस टेक्निक के थ्रू वो स्टूडेंट जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं आ, इन डायलमस को समझने के लिए उनको भी ये डायलैमस समझ आना शुरू हो जाते हैं एक्चुअली होता क्या है कि हम करेक्टर को इस तरीके से बयान करते हैं जैसे एक बच्चे के अपने जज्बात हो सकते हैं या उसके एक अपना जिंदगी का कोई एक सीन हो सकता है उसका अपना एक वाक्य हो सकता है इस तरीके से बच्चों को पर्सपेक्टिव मिल जाता है उस करेक्टर को समझने के लिए और उस करेक्टर से कनेक्शन के लिए कोई ना कोई प्लॉट होना बहुत ज़रूरी है जब हम ये काम करते हैं तो वो बच्चे आज जो मुश्किल कॉन्सेप्ट हैं साइंस के जो उनको समझ में नहीं आ रहे होते या जिसे पढ़ के वो घबरा जाते हैं मिसाल के तौर पे इन्वामेंटल साइंसिस से रिलेटेड कोई टॉपिक्स हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हैं ह्यूमन नॉन ह्यूमन इंटरेक्शन के टॉपिक्स हैं वो बच्चे भी इन कहानियों में या उस करेक्टर के साथ अपनी ज़िंदगी का कोई कनेक्शन देखते हैं प्लॉट देखते हैं पर्सपेक्टिव देखते हैं तो उनका दिल चाहता है कि उन कैरेक्टर्स को पढ़ें और उनको मज़ीद समझें और उनकी एनाटॉमी को और उसकी बायोलॉजी को समझना उनके लिए इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है आ, बच्चों को जब हम साइंस से रिलेटेड टॉपिक देते हैं और उनका जो एम्फोसिस होता है डेफ़िनेटली हमारा ये होता है कि नॉलेज बिल्डिंग के ऊपर होता है तो बच्चे ना सिर्फ इस तरीके से उनकी नॉलेज बिल्डिंग होती है उनकी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर वो ना सिर्फ अपने इन्वामेंट को एनिमल्स को इंसेक्ट्स को जानते हैं उनकी अनोटमी को जानते हैं मुश्किल जॉगन्स को याद करने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं बल्कि साथ साथ उनके अंदर फीलिंग ऑफ़ केयर फीलिंग ऑफ सहम्पति और एम्पति भी इन तमाम चीज़ों के लिए डिवेलप होती है